वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ श्री शंकर जी। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सीम सब को रघुपति व्रतधारी। यदि शंकर जी के बराबर जगत में रघुपति व्रत को कौन धारण कर सकता है, मतलब शंकर जी से जगत में कोई बड़े भक्त है नहीं। प्रभु जब राम अवतार में आए शंकर जी बोले रुद्र देहत जी नेह बस पानर भय हनुमान। शंकर जी ने जब देखा कि ये रुद्र सैनिक में सेवा नहीं कर सकता हूँ, शंकर जी शंकर सैनिक को त्याग करके उन्होंने श्री हनुमान बन करके आए हैं। और श्री हनुमान बन के कहने ना दुनिया चल लेना श्री राम के बिना, राम जी चल लेना हनुमान के बिना, भक्ति मिल लेना हनुमान के बिना, मुक्ति मिल लेना श्री राम किया। द्वापर युग में शंकर जी सर्वोपति पदे जय सोम सोम सनातन सनातन गोपीश्वर व्रज विलास युगल त्रिपद में प्रेम व्रज चरित राम निरुपाधिक। जैसे शंकर जी आप तो बड़े दयालु, आप तो बड़े कृपा हो, सनक सनातन आदि भी आपकी आराधना करते हैं, अगर हमारे ऊपर आप प्रसन्न हो क्या दो ब्रज विलास ही ब्रज में जो विलास करते हैं श्री राधा कृष्ण इनकी चरण हमें प्रेम भक्ति प्रदान करो। इसलिए गुरुदेव कहते थे कामेश्वर मतलब है जो हमारी सारी कामना को पूरी कर दे, केवल एक ही कामना चाहिए श्री राधा रानी की चरण की। जैसे चेली बन करके हम सेवा कर सकते केवल एक कामना। कोई शंकर जी जब कलयुग में फिर शंकर जी कल से अद्वैत आचार्य बन करके आए, इसलिए श्री अद्वैत आचार्य बन करके आए। इसलिए श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं बोले एला गौर रसना जी कादम दुनिया की दुर्दशा को देख करके तुलसीदास और उन्होंने गंगा पानी देकर उन्होंने आभार दिया। इसलिए स्वयं महाप्रभु कहते हैं सुतिया आचिन की समुद्र सागरे निद्रा भंग हैल पर नारार होता है। मैंने ये अद्वैत आचार्य के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपना वैकुंठ गोलोक वृंदावन छोड़ करके मैंने इसी धरा जगत में अवतरित हो गया। और श्री अद्वैत आचार्य जो महाप्रभु बोले वर मांगो, महाप्रभु बोले वर मांगो, अद्वैत आचार्य क्या वर मांगे बोले प्रभु अगर मुझे ये वर देना चाहते तो एक ही वर दो, क्या है आप जो ब्रह्मा की एक दिन में एक बार आए हो। बोले क्यों आए हो, बोले इसीलिए आए हो जो दुर्लभ प्रेम को देने के लिए मेरे को वर देना एक ही वर दो, जिस काम के लिए आए हो आप ये कलयुग में आज चंडाले तीन हीन पति और जात भात निर्विशेष भेद विचार करते हुए आपको दुर्लभ जो प्रेम है आप जीवों को प्रदान करो, यही वरदान करो। आज जो गोरखपुर दिख रहे ना, कोई रशिया से, कोई ब्राजील से, कोई अमेरिका से, कोई लंदन से, कोई फ्रांस से जो आए हैं, क्यों ये अद्वैत आचार्य शंकर ने महाप्रभु से वर मांगे थे आप एक दिन सबको ये प्रेम प्रदान करोगे। इसलिए जो गोरखपुर दिख रहे ना, गोरखपुर दिख रहे गोरी भगवती ये शंकर जी की इन्होंने बरमा गए महाप्रभु को। इसलिए श्रीमद महाप्रभु ने ऐसे प्रचार किया और ऐसे प्रचार किया उसकी
महाप्रभु कहां से नवद्वीप धाम से एक मूल वृक्ष रूप में निकला, वहां से दो टहनियां कौन अद्वैत आचार्य से नित्यानंद, वहां से सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी विशेष करके श्री प्रभुपाद ऐसे हुए और उसी टहनिया से एक टहनिया निकली भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज, और उसी में ही भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी से भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज निकले, उसका टहनिया इतने दूर को फैलाया, इतने दूर तक उसको टहनी आ गई, और चलते चलते ब्राजी और वहां से श्री बन महाराज और श्री तीरथ महाराज और श्री श्री माधव महाराज इन लोगों ने क्या किया, एक टहनिया रूप में सारा दुनिया में गए, हाँ एक टहनिया है और सारा दुनिया के गए, तो जितने सब पकड़ पकड़ गए सबको, और श्री नवद्वीप और श्री महाकृष्ण धाम में ब्रज भूमि में इनने सब के सब पकड़ पकड़ के यहाँ पर ले आए। ब्रज सचिनंदन गौर हरि की, अद्वैत आचार्य कामेश्वर महादेव की कृपा है। इसलिए यहीं पर ही हमारे पांडव लोगों भी यहीं पर उन्होंने अज्ञान उन्होंने यहीं पर उन्होंने वनवास किया है, और ये वनवास करते समय यहीं पर श्री दुर्वासा जी यहीं पर आए। एक दिन दुर्वासा जी को श्री दुर्योधन ने निमंत्रण दिया और खूब उनको खिलाया। दुर्वासा जी कौन, शंकर जी के प्रसाद, इसमें स्वयं ये शंकर जी के प्रसाद से सोच रहा था किसी तरह से पांडव को ध्वंस कर दिया जाए, और उन्होंने खड़े में तुष्ट खड़े में रुष्ट हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने खूब खिलाया, संतुष्ट हो गए। दुर्वासा बोले वर मांगो, बोले आप हमारे ऊपर में जैसे कृपा की, श्री काम्य वन में हमारे भाई लोग पांडव लोग भी रहते हैं, आप उनको पर भी कृपा करो। इसलिए दुर्योधन को पता था सूर्यदेव ने एक पात्र दिया, ये द्रौपदी जब तक प्रसाद नहीं पाएगी ये दुनिया को खिला सकती है, लेकिन द्रौपदी जब प्रसाद पा लेगा फिर इसको खिला नहीं सकती है। इसलिए वो गुप्तचर को जरा पता लगा रहा था कब द्रौपदी खा पी करके पात्र को धो धा कर रखती है, जब धो धा कर रख दिया ना तो आप भी कृपा करके जाओ कहां काम्य वन में, वहां पर पांडवों को पर कृपा करो। यहीं पर कहते दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों को लेकर के आ गए, इसको देख करके तो युधिष्ठिर महाराज सांप हो गए, बोले दुर्वासा ने ये काल आ गया, ये काल शंकर जी काल इनका भी प्रकाश है, काल आ गया है। इतने में भीम को बोले भीम जाओ जाओ जल्दी से पूछो द्रौपदी को क्या भोजन कर चुकी है। द्रौपदी बोले तो मैं तुम सबको खिला करके लास्ट समय में भोजन करके पात्र को धो धा कर रख दिया, बोले सर्वनाश हो गया। यहाँ पर दुर्वासा 10,000 शिष्य लेकर के आए, यहाँ पर था हमारा कोई राजकोष नहीं, बनाओ और खिला दो, अभी क्या होगा, इनको भेज दिया जाओ आप विमला कुंड में स्नान करके आओ। और यहीं पर पंच पांडव साथ में द्रौपदी बैठ गई, और द्रौपदी बैठ करके आंखों से आंसुओं को बहा उन्होंने कृष्ण को उन्होंने स्मरण किया, बोले हे श्याम सुंदर हे गिरधर लाल हे कृष्ण कन्हैया, मैं अपना लिए चिंता नहीं करती हूँ, ये जो पांडव है ना ये सबके सब तेरे भक्त है, अभी इनके ऊपर विपत्ति पड़ी है, अब बड़े बड़े विपत्तियों से रक्षा की, अभी भी किसी विपत्ति से हमें रक्षा करो। जब उन्होंने आंखों से आंसुओं को बहाते हुए पुकारे कृष्ण कहाँ पर, कहते कहाँ द्वारका में, और कहाँ पर ब्रज भूमि, कहाँ पर ब्रज भूमि। इतने में ही कृष्ण को सामने रुक्मिणी छापा नखो और छत्रिस व्यंजन सामने रखा था। इतने में द्रौपदी की आवाज कृष्ण के कान में टकराया, टकराते ही उन्होंने जो परसा हुआ थाला मुझे दे दिया, प्रसाद पा कर दिया, बोले नहीं आज पांडवों को ऊपर विपत्ति आई है, बोले देखो अगर खाना छोड़ कर जाओगे ना कहीं भी आपको खाना नहीं मिले, बोले मेरे पास में समय नहीं है, वायु सभी ज्यादा तेज गति से यही पर कृष्ण आए। बोले द्रौपदी पांचाली, द्रौपदी बोली कृष्ण का आवाज कहा, कृष्ण तो द्वारका में, जब मैंने आंख खोल करके देखा ना कृष्ण द्रौपदी जिसको स्मरण कर रहे थे वो यही पर उपस्थित है। इसलिए कहते ना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तो बुला से गए, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबर के जैसे तो बुला से गए, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं मैया जसोदा जैसे तो बुला से गए, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोलो जैसे तो नचाते नहीं। इसलिए कृष्ण भक्त के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन हृदय में हमारी पुकार होनी चाहिए, हृदय में हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, कृष्ण सब कुछ करते हैं। इतने में कृष्ण आकर बोले द्रौपदी
बड़ी तेज से भूख लग रहा है क्योंकि रुक्मिणी सामने बरसा हुआ थाला को मैंने टुकड़ा करके आया, इसलिए कुछ हमें भोजन दो। बोले प्रभु आपको बता दें, जब तक मैं नहीं खाती हूँ दुनिया को खिला सकती, मैं खाने का बाद पर किसको नहीं खिला सकती। अभी दुर्गा साहब 10,000 शिष्य लेकर के आए, इसलिए प्रभु अभी तो मैं खा चुकी हूँ। बोले द्रौपदी पहले भोजन कराओ फिर बात करना, अभी आया नहीं, पहले तो दुख की बात सुनाना शुरू कर दिए। बोले पात्र तो लेकर आया, बोले मैं भोज आकर के मैंने रख लिया। बोले लाओ तो सही, अभी कृष्ण की माया है, देखा वहां पर एक अन्न की दाना लगा हुआ था, बोले उसको दो और एक गिलास पानी दो। कृष्ण उसको पी करके जब डकार तुले, कहते मेरा नाम है विश्व भर, मैं संतुष्ट हो गया हूँ, विश्व ब्रह्मांड संतुष्ट हो जाए। इतना बोलते ही वो जो ऋषि लोग स्नान कर रहे थे ना सरोवर में, विपुला कुंड में उसका पेट इतना बड़ा बड़ा हो गया, हाँ पेट इतना हजमला खाने का नहीं बदले था, हजमला खाने का भी हिम्मत नहीं था। बोले तो ये क्या हो गया, हमारे ये पेट इतना बड़े बड़े कैसे हो गए। बोले हम भी तो ये सोच रहे हैं। इतने में युधिष्ठिर को कृष्णा भीम से आने बोले जाओ उनको बुला करके ले आओ। बोले ऐसे नहीं गदा लेके भी आओ। जब भीमसेन गदा लेकर के आए और उनने दूर से देखा ना, बोले भैया जरूर कुछ ना कुछ खाने के लिए व्यवस्था किए होंगे, लेकिन ऐसे पेट भरा हुआ हजमला खाने का भी हिम्मत नहीं है, अभी क्या करें। बोले भागो यहाँ से। जब वहां से भागे, जब भीमसेन पहुंचा बैजा ने खा ली, और वो जाते समय दुर्वासा से क्या वरदान दिए, उल्टा वरदान दिए, बोले तुम्हारे सारे शत्रु विनाश हो जाए, है सारे शत्रु बिना सच यही लाए, यही पर बुझी, यही पर ही धर्म कुंड है, यही पर पंच पांडव ने द्रौपदी को जब कृष्णा लगी, बोले हमें पानी पिलाओ, हमें पानी पिलाओ, पर उन्होंने भीमसेन को भेजे जो भी पास में धर्म कुंड, जो पानी पीने के लिए, बोले सावधान भैया सावधान कौन कह रहा है। इतने में देखा कि बबूला, बोले कहा क्या बात है। बोले पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, मेरे पानी को। बोले तेरे को पता नहीं मैं कौन हूँ, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी में भीम से ले, अब तेरे जैसे बबुला का उत्तर देकर मेरे को पानी पीना पड़ेगा। बोले खबरदार पानी पीना नहीं। बोले तू क्या कर सकते, मैं अभी पी कर दे। बस भीम से केवल पानी को स्पर्श करते ही वहीं पर उन्होंने गिर पड़े। ऐसे ही अर्जुन भी आया, ऐसे नकुल सहदेव सबके सब आए, लेकिन इनका उत्तर कोई दिए नहीं, इसलिए जोर जबरदस्त किया तो 5-4 बेहोश हो गए। इतने में युधिष्ठिर महाराज देखा भैया क्या हो गया, आकर के देखा चारों बेहोश होकर पड़े हुए। जब फिर ये पानी लेने के लिए गए, सावधान, देखा भैया ये कौन है सावधान बोल रहा है, देखा एक बगुला बैठा हुआ है। बोले क्या बात है। बोले देखो पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर पानी पी कर जाओ। लेकिन इनका नाम है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर मतलब क्या, जो युद्ध अवस्था में जो जिनका बुद्धि स्थिर रहता है, इसलिए इनका नाम युधिष्ठिर महाराज है। बोले बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपका प्रश्न का उत्तर देने के लिए। इन्होंने बहुत सारे प्रश्न किया है, उन्हीं प्रश्न में दो तीन प्रश्न विशेष करके। पहला प्रश्न है का बंधा, जगत में तो पथ बहुत है, लेकिन हमें किसके पथ का अनुसरण करनी चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा देखो, वेद विभिन्न स्मृत विभिन्न नासो मुनिर्जस्य मतव न भिन्न धर्म से तत्व नीत गुहायाम महाजन जैन गत सबस। लेकिन हमारे बंगाल में रामकृष्ण का उनका पद जतो मत ततो पद, बंगला आते ना जतो मत ततो पद, बोले ना जतो मत ततो पद नहीं, बोले महाजन जैन गत सबस था। केवल एक ही पद पद है जो महापुरुष लोग द्वादश महापुरुष है, स्वयं रो नारद संतो कुमार कपिल मनु प्रह्लाद जनक भीष्म बलि व्यासी के भय, ये स्वयं जब महाराज कह रहे हैं। केवल हम 12 महाजन हैं, इन लोगों ने जो मार्गों का अनुसरण किया, और इनके मार्ग में जैसे हमारे गोस्वामी वर्ग हैं, हमारे गुरु वर्ग, इन्हीं को रास्ता को अनुसरण किया, इसलिए इन्होंने जिस मार्गों का अपनाया तो वही मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं। चैतन्य जय पथ जय मत सही पथ सार, आज जब तो मत सब हो तो छारकार, जब तो मत हो तो छारकार। महाप्रभु जाति के बोलते हैं, इतने गौरव जे लॉयल नाम से नाम लाओ, आज जो तो छड़ा नाम दूरे
देखे दाव महाप्रभु जो नाम लाए, महाप्रभु ने जो मार्ग को अपनाया केवल तो वही सारे जगत में जितने सब मार्ग सबके सब छाल-छाल हो जाए। फिर उनका दूसरा प्रश्न है, बोले बताओ जगत में कहां मदते, जगत में कौन सुखी है, जगत में सुखी कौन है? बोले जगत में केवल एक व्यक्ति सुखी है जो अऋणी अपरदास, जो कभी ऋणी नहीं। जो ऋणी होते है ना, देखना सारा दिन उसके दिमाग में उनका पैसा कैसे देना, उनका पैसा कैसे देना, ऋणी कैसे भरना, दिन रात उसको दिमाग में ये चिंता रहती है। और जो अप्रवास, जो अपना घर छोड़कर कहीं बाहर नहीं गए, रहे कहाँ, फिर अपना घर में रहे, और लास्ट में शाम का समय में किसी तरह से साथ उठा उठा करके आराम से भगवान की भक्ति करते हुए जो रहे, जो वही केवल सुखी है। यहाँ पर कहते हैं और ऋणी, जगत में कोई ऋणी नहीं हो। इसलिए भागवत में बताया कि जगत में आने पर आपको पांच ऋणी में आबद्ध होना पड़ता है, आपको पांच ऋणी से मुक्त होनी चाहिए। ऋणी क्या बोले, देवर से विताप का ऋणाम पितृणाम नारायण चढ़ा जाए, ये पांच ऋणी है, देव ऋणी, ऋषि ऋणी, पिता माता ऋणी, परिजन ऋणी, राजा ऋणी, ये पांच ऋणी से मुक्त होनी चाहिए। लेकिन बताया जो व्यक्ति पिता माता की जो ऋणी, इतना पिता माता का ऋणी, सौ जन्म में भी कोई पिता माता का ऋण चुका नहीं सकता, ऐसे ऋण पिता माता की है। भैया अगर सौ जन्म नहीं चुका सकते, पांच ऋण को चुका हो गए। लेकिन भागवत में कहता है सर्वात्मना जो शरणम शरणम, जो व्यक्ति संपूर्ण रूप में कृष्ण चरण में आए हैं, फिर वो सारे ऋण से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए गुरुपाद पद्म कहते जैसे सन्यासी बन करके, जैसे जो सासु बाबा पिता माता जन्म दिया, इनको पिता माता की सेवा करना चाहिए नहीं था, लेकिन उन्हें सब कुछ छोड़ जाके बाबा बन गए, सब कुछ छोड़ के साधु बन गए, फिर इनका ही तो मेरे को चुका गया। इसलिए गुरुदेव कहते थे जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके भजन करने के लिए आए, कृष्ण कहते 36 करोड़, बोले 36 करोड़ कर्मकांडी ब्राह्मण को कृष्ण निजुक्त बना करके रखे। जो व्यक्ति सब छोड़ करके मेरे शरण में आएगा, उनको जो पीछे जो काम रह जाएगा, ये काम उनको करना पड़ेगा, उनको चुकाना पड़ेगा। और सचमुच से जो भगवान की भक्ति करते हैं, पिता माता की वही सेवा कर सकते हैं जो करता है सचमुच से कौन, जो भजन करने के लिए आया। इसलिए नरसिंह भगवान कहते हैं बोले कुलम पवित्रम जननी पितार्था वसुंधरा वसतिस्त धन्या नृत्यति स्वर्गे पितरि पितरेषा जैसा कुले वैष्णव नाम। एक वैष्णव अगर परिवार जन्म ले लिया, एक वैष्णव उसको क्या फायदा है, और उसका 21 भी उधार हो जाते हैं। वृंदावन दास ठाकुर तो कहते हैं त्रिकोटि कुल है श्री वैकुंठ वास, उनका 3 करोड़ उनका जो परिजन है वो सब के सब वैकुंठ वास हो जाता है। एक अगर किसी वंश में एक अगर कोई वैष्णव बन गया, 3 करोड़ कितने लाभ है। जिस वर्ष में एक बेटा भजन कर लिया, वो हाथ उठाकर नृत्य करता है, स्वर्ग में देवता को कल्याण होता है, उनकी चरण स्पर्श पा करके पृथ्वी अपने आप को धन्य मानती है, उनकी दृष्टि जितने दूर तक उनको दृष्टि जाती है, सारी चरण उनका मंगल मंगलमय हो जाता है। एक वैष्णव जब किसी वर्ष में जन्म ग्रहण करता है, सचमुच से वही बेटा ही सचमुच से पिता माता की सेवा किया जिसका बेटा सन्यासी साधु बनकर आया। अब जो सोचते हैं नहीं, अगर हम घर में नहीं जाएंगे ना, हमारे पिता माता की कौन सेवा करेगा, हमारे बाप को कौन देगा, भैया को कौन देगा, तू देखोगे संसार पूछ लो तो शादी को बाद में है, शादी को बाद में स्त्री उसको कान में ऐसे एक मंत्र देता है ना, बाद दूसरे दिन बुद्धि करा हमारे पिता माता को लात मार के घर से निकाल देता है। वृंदावन में जाकर के देखो, वृंदावन के देखो सब माया बाबारा वैसे राधे श्याम कर छे की कर छे, वो मां घर तक बैठ कर दिए छे, छेले घर तक बैठ कर दिए छे, अभी ये कोई सेवा नहीं करते हैं। लेकिन कृष्ण स्वयं कहते हैं जो व्यक्ति मेरा भजन करने के लिए आएगा, उसको पीछे जो ऋणी जो पिता माता को मैं स्वयं देखूंगा। इसलिए नरसिंह भगत जो भजन करने के लिए आए, उसको बेटी की शादी कौन दिया, बोले कृष्ण स्वयं सावरिया सेठ बन करके कृष्ण स्वयं उनको शादी देने के लिए कृष्ण जाते हैं। इसलिए कहते हैं जो सचमुच से भगवान की भजन करने के लिए आए, उसको ही पिता माता की सेवा वही कर रही,
अब जो बोल रहे ना हमारे पिता माता के साथ पूछ लो, घर घर में जाकर के पूछ लो कैसे सेवा कर रहे हो। सेवा पिता माता की नहीं, अपना स्त्री की सेवा कर रहा है, अपना पति की पिता माता को लात मार के घर से निकाल देते हैं। इसलिए यही पर उनको सारे संवाद यही पर उनकी, इसलिए जो स्थान है संपूर्ण रूप में कृष्ण लीला स्थली की, ये अद्भुत अद्भुत लीला स्थली पांडवों का लीला भूमि, कृष्ण की लीला भूमि और सबका लीला भूमि ये स्थान। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो गुरु वैष्णव के आनुगत्य में हम लोग यहाँ पर आए हैं। इसलिए श्री कामेश्वर महादेव ये अष्टकाले लीला को यही सुनाने वाले, श्रीमद् भागवत भी उन्होंने पार्वती को अमर कथा इन्हें ही सुनाया। इसलिए गुरु जी को साथ में शंकर जी का भी बड़े संबंध है। इसलिए शंकर जी से प्रार्थना करें, आप तो सारी कामना वासना को पूरी करते हो, हमारी केवल एक ही कामना है राधा कृष्ण चरण हमें प्रेम भक्ति केवल हम एक प्रसाद करो कृपा। অল্প রান্না করেও থালিতে দ্রৌপদী রাখবেন,
এবং এখান থেকে যতদিন যত ভক্তকে প্রসাদ দেবেন কখনো কম হবে না। কিন্তু দুর্বাসা মুনি দ্রৌপদী খেয়ে গেলে ওই থালি আর তার কিছু থাকবে না, কারণ দ্রৌপদী খাওয়া হয়ে গেলে ধুয়ে রেখে দিয়েছেন। এখন তিনি কি করবেন, তিনি এখন গোবিন্দকে স্মরণ করেছেন, গোবিন্দ তখন দ্বারকায় রয়েছেন, কিন্তু দ্বারকে তিনি আসবেন কি করে সে একটা বিষয়, কিন্তু ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করে শ্রীনন্দ নন্দন। এখানে আমাদের গৌতম প্রভু শরণাগতি গান গাইলে না, তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্র কুমার তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া। আচ্ছা পঞ্চপান্ডব সদা সর্বদা ভগবানের উপর নির্ভরশীল, তাই দৈবন্ধী ঐকান্তিক ভাবে যখন শিবকে ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করলেন, তিনি ধ্যান স্মরণ করছেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভগবান শ্রীনাথ দৌড়িয়ে রুক্মিণীর সিংহ খাট পালন করছেন, তিনি দ্রৌপদীর সামনে বসছেন। আমাদের সখী সঙ্গে বলে কি ব্যাপার, কৃষ্ণের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি, তাও বিশ্বাস হচ্ছে কৃষ্ণ আবার বলে দ্রৌপদী ঘটে চোখ করলো আমি এসেছি তোমার কাছে, সঙ্গে যে ঘুরে যাবে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে তিনি এসছেন। ওখানে একটু ভগবানের হৃদয়ের বৈচিত্র্য, ওখানে একটু সাধারণ কিছু লেগেছিল। তো ভগবান নিজে ওটাকে গ্রহণ করলেন তৃপ্তশ্রী। অর্থাৎ ভগবান যখন গ্রহণ করে তখন সারা জগৎ সে গ্রহণ করে নেয়, ভগবান যখন তৃপ্ত হয়ে যান তখন সমস্ত জগৎ তৃপ্ত হয়ে যায়। এবারে ভীমকে বললেন, ভীমসেন তুমি যাও দুর্বাসাকে ডেকে নিয়ে আসো। এবার তুমি বিশাল গদা নিয়ে বিশাল শরীর নিয়ে কোথায় দুর্বাসা কোথায় দুর্বাসা গেছে। এদিকে কৃষ্ণ যখন ওই ছাগল গ্রহণ করেছেন তখন ওই সাদাদের শিষ্য সহ দুর্বাসা মানে কি ঢেকুর উঠছে, কোনো যদি খেতে দেবেন আমরা ঢেকুর চাই না গ্যাস হয়ে যাবে, হ্যাঁ তো ঢেকুর উঠছে। তখন তারা ভাবলো আরে আমাদের তো পেটে একদম ভর্তি হয়ে গেছে, আমার তো কিছু ঢুকবে না, আরে আমরা তো পাণ্ডবদের জন্য অপরাধ করে ফেলেছি চা। এখন তারপরে চলে এই ভীম বলি আসছে, ভীমের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তারা আকাশ মার্গে দিয়ে চলে গেছে। ভীম যখন গিয়ে দেখা যে কেউ তো কিছু নেই, কি ব্যাপার, সঙ্গে সঙ্গে ওরা যখন ফিরে এসে দেখে বলছে কেউ নেই, দেখে যে কৃষ্ণ ওখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। আর একটি এখানে তুলতে রয়েছে, এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ, এটা হচ্ছে ধর্মপূর্ণ বলা হয়ে থাকে। মানে একসময় কি হচ্ছিল, বনে ঘুরতে ঘুরতে দ্রৌপদী খুব পিপাসার্থ হন, এখন দ্রৌপদী যখন বললো ভীম দ্রৌপদী ইচ্ছা পূরণ করে আগে বেরিয়ে গেলেন কোথায় জলাশয়, তখন তিনি দেখলেন যে গাছের উপরে কিছু পাখি কলরব করছে, ভাবে ওইখানে তাদের জল আছে। এবারে ওখানে গিয়ে যখন দেখছেন সুন্দর সুশীতল নির্মল জল, এবারে বলে আমি তাকে প্রতিষ্ঠা করে মিলে তারপরে নিয়ে যাবো। এবার উনি যখন জল নিয়ে পান করতে যাচ্ছেন তখন বলে এক কৃষ্ণ ব্যাপার, তখন দেখছে এক বব দাঁড়িয়ে আছে, হ্যাঁ তো এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে, বলে কি ব্যাপার, আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জল পান করবে। তুমি বলে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিও, আমি চেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে, সব প্রশ্নের উত্তর দেবো আমি ভেবেছেন। এইবারে যখন জল পান করতে গেলে তখন ওখানে উপাধিত হয়ে গেলেন। এইভাবে একে একে অর্জুন এলেন, নকুল এলেন, সহদেব এলেন। তো এখন ধর্মরাজ উত্তর না দিয়ে সকলে একই গতি, এখন যুধিষ্ঠির চিতাবে কি ব্যাপার, চার ভাই কোথায় গেল, একটু ফিরল না, এবার নিজে গিয়েছে। এবারে নিজে গিয়ে যখনই তিনি দেখছেন চার ভাই শুয়ে আছেন, অস্ত্রের হাতে কোনো চিহ্ন নেই, তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এবার তিনি যখন আবার জল পান করতে গেছেন তখন দাঁড়িয়ে আছে ধর্মরাজ, দেখো যুধিষ্ঠির তুমি যদি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জল পান করতে যাও তাহলে তোমার উপর এই অবস্থা হবে, কারণ যুধিষ্ঠির নিজেকে সংবরণ করে নেয়। এই জন্য যুধিষ্ঠির মানে যুধিষ্ঠির প্রতিটা সিচুয়েশন দুটো পরিষ্ঠ দিয়ে নিজেকে কন্ট্রোলের মধ্যে রাখতে পারে, সংযত করে রাখতে পারে, তাহলে তিনি কি করে সর্ববিশ্বকে তিনি জয় করতে পারে। এবারে ধর্মলায় একের পর এক অনেক উত্তর দিয়েছে, প্রশ্ন করেছে, যুধিষ্ঠির একটার পর একটা উত্তর দিয়েছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে সূর্য কার উপর অবলম্বন করে সূর্য উদিত হয়ে নষ্ট যায়, তখন যুধিষ্ঠির মানে ধর্মের উপরে। তারপরে প্রশ্ন করেছিল জগতের মধ্যে দ্রুতগামী বস্তুকে, যুধিষ্ঠির বলে মন হচ্ছে দ্রুতগামী বস্তু, দিনের যে সংখ্যায় বেশি কে, তখন বলে চিন্তা। তারপরে প্রশ্ন করেছেন এর বলে আশ্চর্য বিষয় কি, আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে প্রতিদিন প্রতিটি মানুষ অসংখ্য জীব মানে মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে, মারা যাচ্ছে, অথচ আমরা চেষ্টা করি বাঁচার জন্য, তাই না, আমরা কিভাবে মরবো সেটা কোনো চিন্তা করি না, অথচ কিভাবে বাঁচবো সেটাই চেষ্টা করি। এইটা হচ্ছে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে
পাশের লোক মারা যাচ্ছে, আমরা একদিন মরবো, এটা চিন্তা করে আমরা বাঁচার জন্য চেষ্টা করি। এই জন্য ভগবত গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন যে অন্তকাল হচ্ছে মহামেব, কিভাবে মরবো আমরা। তো সেখানে বলছেন যে অন্তকাল হচ্ছে মহামেব স্মরণ মুক্ত ফলে বরং ইয়াপ্তি সময় বা আগম যা আপনি নাশ করতে সংশয়, মৃত্যুকালে যে আমার নাম স্মরণ করে মরবে সে আমার প্রাপ্ত হবে। জানতে দেবপ্রতা দেবান পিতৃ, জানতে পিতৃপ্রতা ভূতানি জাতি ভূতের যা জানতে মজ্জাদি নৌপিমান। তাহলে দেবতাকে আরাধনা করে তারা দেবতাকে যাবে, তার ভূতলোক ভূতে আরাধনা করে ভূতলোকে যাবে, আর যারা আমার আরাধনা করে তা আমার লোক ফিরে যাবে। তার লাভটা কি হবে? যদ্গত্তান্য নিবর্তন্তে তার ধাম কর্ম মম। আর যে আমার ধর্মে ফিরে আসবে সে কখন আর এই প্রপঞ্চ জগতে আসতে পারে না। তো সেই জন্য গুরু বৈষ্ণব কৃপায় আজকে আমরা এই কামেশ্বর মহাদেবের কাছে এসেছি। এখানকার চরণজলি মাতাজি আমরা প্রার্থনা করি তিনি আমাদের একটাই ইচ্ছা পূর্ণ করুন, যাতে আমরা অন্তিম সময়ের জন্য রাধা কৃষ্ণের নাম করতে করতে আমরা এই শরীর ত্যাগ করতে পারি এবং রাধা কৃষ্ণের জীবন সেবা অংশগ্রহণ করতে পারি।